एक छोटा सा सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रम पैदा करता है कि यहां पर जो है, अब इसे आप समझ तो गए ही होंगे, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये? जो है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है पाइथन का। तो यहां पर ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है ये लगाया गया, और यहां पर क्या किया गया है, दो बार लगा करके, यानी फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगा करके इक्वल टू आई किया गया है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए, इसका मतलब और कुछ नहीं है, ये मतलब है कि नम को डिवाइड कीजिए, यानी फ्लोर डिवीजन कीजिए किससे, आई से। इसका मतलब यही है, यानी नम अपॉन आई ही इसका मतलब है। नम अपॉन अपॉन आई, यानी नम फ्लोर डिवीजन आई। इसका मतलब कुछ अलग से मत निकालिएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहां पर अगर प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी नम में आई प्लस हो जाएगा, नम में यानी 11 में 4 प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर फ्लोर डिवीजन था तो फ्लोर डिवीजन सिर्फ इंटीजर में ही रिजल्ट निकालता है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और वहां पर ये आंसर देगा नहीं। तो यहां पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी चला करके आउटपुट आएगा आपका 2। ठीक है, यहां पर चूंकि फ्लोर डिवीजन लगाया गया, अब इसको चलाते हैं, ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है तो इसको चलाते हैं। तो देखिए इसका आउटपुट 2 आ रहा है, लेकिन यही चीज अगर प्लस कर दिया, यहां पर प्लस कर दिया जाए, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, कि यहां पर अगर प्लस किया जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि नम में आई जुड़ जाएगा, यानी 11 में 4 जुड़ जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहां पर सेम वही होने वाला है। देखिए अगर यहां पर माइनस कर दिया जाए तो 11 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए सेम वही आया हुआ है। तो यही तरीका है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो अब आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी के साथ। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, 44 आएगा। देखिए यहां पर 11 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 आ जाएगा, 44 पे देखिए। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू।